नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेद के घरेलू उपचार में। बारिश के मौसम की शुरुआत होते ही बाजार में जामुन की आवक शुरू हो जाती है। रस से भरी जामुन खाना सभी पसंद करते हैं, लेकिन जामुन खाने के फायदों के बारे में शायद ही आप जानते हो। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं जामुन के कुछ चमत्कारिक फायदे। जामुन गर्मी के मौसम में शुरू होकर बरसात में मिलने वाला एक फल है। जामुन को अंग्रेजी में ब्लैक प्लम कहते हैं। जामुन का फल आमतौर पर काले या गहरे गुलाबी रंग का होता है और बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है। जामुन के फायदे और स्वास्थ्य की दृष्टि से कई विकारों को दूर करने के लिए आयुर्वेद में भी जामुन के फल, छाल, पत्तियों एवं बीजों का उपयोग जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। ज्यादातर घरों में अच्छी सेहत के लिए लोग जामुन का उपयोग स्नैक्स के रूप में भी करते हैं। जामुन की गुठली के फायदे भी अनेक होते हैं। जामुन का उपयोग सिरका बनाने में भी किया जाता है, जो कई विकारों को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है। जामुन के फल में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, विटामिन सी, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, निकोटिन एसिड, फॉलिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम के अलावा कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक एवं आयरन मौजूद होता है। इसके साथ जामुन के छाल और शाखाओं में टैनिन, गैलिक एसिड, रेसिन भी मौजूद होता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जामुन के बीज में ग्लाइकोसाइड, जंबोलिन और गैलिक एसिड पाया जाता है, जो बीमारियों के इलाज में सहायता करता है। इसमें विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से जामुन खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ने से रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों में अधिक ऑक्सीजन का फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। जामुन में पाया जाने वाला आयरन रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। विटामिन ए आंखों के लिए लाभकारी होता है और यह जामुन में बहुत ही पाया जाता है। इसके अलावा जामुन में खनिज और विटामिन सी भी पाया जाता है, जो त्वचा के लिए भी अच्छा माना जाता है। पोटेशियम से भरपूर होने के कारण जामुन हृदय को स्वस्थ रखने में बहुत ही सहायक होता है। 100 ग्राम जामुन में लगभग 55 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है, जो उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक सहित कई तरह के हृदय रोगों से शरीर का बचाव करता है। मसूड़ों एवं दांतों के लिए भी जामुन फायदेमंद होता है। जामुन की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जो मसूड़ों से खून निकलने से बचाने में मदद करती है। जामुन की पत्तियों को सुखाकर और इसका पाउडर तैयार करके दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह संक्रमण और मसूड़ों से खून निकलने को रोकता है। जामुन के पेड़ की छाल कसौली होती है, जो मुंह के अल्सर को सुरक्षा प्रदान करती है। जामुन में जीवाणुरोधी, संक्रमण रोधी और मलेरिया रोधी गुण पाए जाते हैं। जामुन के फल में मैलिक एसिड, गैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और बेटोलिक एसिड पाया जाता है। जामुन का फल सामान्य संक्रमण से बचाने में भी मदद करता है, इसलिए संक्रमण से बचाव के लिए जामुन का सेवन किया जाता है। जामुन डायबिटीज के लक्षणों, अधिक पेशाब और भूख को कम करने में मदद करता है। यह ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी कम करता है और ब्लड शुगर को सामान्य बनाए रखता है। जामुन की पत्तियां, छाल और बीज डायबिटीज के इलाज में उपयोग किए जाते हैं। यह इंसुलिन के स्तर को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। जामुन की छाल और बीज का पाउडर पेट में गैस की समस्या को दूर करने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह डायरिया, अपच और पेचिश के इलाज में बहुत प्रभावी रूप से काम करता है। चेहरे के मुहासे के इलाज में भी जामुन का प्रयोग किया जाता है। जामुन के बीज को पीसकर इसमें गाय के दूध को मिलाकर पेस्ट तैयार कर ले और रात में सोने से पहले इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने के थोड़ी देर बाद पानी से धो ले। आपकी मुहासों की समस्या दूर हो जाएगी। गुर्दे की समस्या को दूर करने के लिए जामुन का उपयोग किया जाता है। अगर आपके गुर्दे में किसी तरह की दिक्कत है, तो जामुन के बीज का पाउडर दही में मिलाकर खाने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। शरीर की कमजोरी को दूर करने और खून की कमी की समस्या को जामुन का रस बहुत ही फायदेमंद होता है। यह याददाश्त भी बढ़ाता है और सेक्सुअल कमजोरी की परेशानी को भी दूर करता है। एक
चम्मच जामुन के रस में एक चम्मच शहद और एक चम्मच आंवले का रस मिलाकर प्रतिदिन सुबह खाने से यौन शक्ति बढ़ती है। जैसे इसके फायदे हैं, वैसे इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आइए जानते हैं जामुन के नुकसान क्या है। जामुन के बीज, छाल और पत्तियों से बने उत्पादों का सेवन अधिक मात्रा में करने से यह डायबिटीज के रोगियों में ब्लड शुगर लेवल को घटा सकता है, जिससे उनकी दिक्कतें और बढ़ती हैं। सर्जरी के कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा शरीर ब्लड शुगर का स्तर घटाता है। जामुन का सेवन खाली पेट करने से कब्ज की दिक्कत हो जाती है। लगातार शरीर में सूजन बना हो या लगातार उल्टी की समस्या हो तो जामुन नहीं खाना चाहिए। दूध पीने के एक घंटे पहले या पीने के एक घंटे बाद जामुन खाने से ही यह नुकसान होते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए आयुर्वेद के घरेलू उपचार।